थाने सरकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम थाने जिले के तमाम लोगों को आज फर्स्ट में यानी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद हम आज बात करते हैं मुंब्रा और कलवा के पूर्व वरिष्ठ निरीक्षक रविंद्र टायडे जी का, जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। मुंब्रा कलवा के आमदार जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट करके थाना के सीपी कमिश्नर पुलिस विवेक पंसलकर को और वहां के थाना के पुलिस को रविंद्र टायडे के खिलाफ कई बातें उनको ट्वीट करके भेजी है। उन्होंने कहा है कि रविंद्र टायडे अपनी गुंडागर्दी के दम पर लोगों को धमका रहा है, उन्होंने धमकाने में सारी हदें पार कर दी है। ऐसी बातें मुंब्रा कलवा के आमदार जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट करके थाना जिला के सीपी कमिश्नर पुलिस विवेक पंसलकर को और वहां के लोकल पुलिस के डीसीपी को उन्होंने ट्वीट कर ये भेजा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 23 अप्रैल के दिन रविंद्र टायडे पूर्व वरिष्ठ निरीक्षक जिन्होंने शिवसेना का दामन थामा था, मगर उन्होंने अपने वर्दी का खौफ जो मुंब्रा कलवा में जब वह वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे उसके बाद वह कल्याण गए थे, उसके बाद कल्याण के बाद वह रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शिवसेना का दामन थामा, मगर कलवा मुंब्रा के आमदार जितेंद्र अवार्ड ने उनके पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के द्वारा लोगों ने जानकारी दी कि चुनाव करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो लोग उनके पार्टी का काम नहीं कर रहे थे उन्हें मजबूर किया गया था। ऐसी कुछ जानकारियां वहां के लोगों ने जितेंद्र अवार्ड को भेजी और जितेंद्र अवार्ड ने उसका ट्वीट करके थाना जिला के कमिश्नर पुलिस विवेक पंसलकर और स्थानीय डीसीपी को उन्होंने ट्वीट करके भेजा। त्याचबरोबर योगेश शुक्ला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आणि जयंत मसे सौ मीना मसे हे देखील आज शिवसेनेत जाहीर प्रवेश करतायत। रवींद्र तायडे साहेब वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून ज्यांनी आपली काम बजावलंय ते रवींद्र तायडे साहेब सुद्धा आज इकडे उपस्थित आहेत, हातात भगवा मनसे। त्याचबरोबर योगेश शुक्ला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आणि जयंत मसे सौ मीना मसे हे देखील आज शिवसेनेत जाहीर प्रवेश करतायत। रवींद्र तायडे साहेब वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून ज्यांनी आपली काम बजावलंय ते रवींद्र तायडे साहेब सुद्धा आज इकडे उपस्थित आहेत, हातात भगवा मनसे। ज्येष्ठ नेते तात्या गंभीरराव शरदजी गंभीरराव साहेब हे मनसेतून आज शिवसेनेत प्रवेश करतायत। जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। जवळपास 2000 कार्यकर्त्यांसमवेत आज शरदजी गंभीरराव यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला। जर आपण जोरदार टाळ्या वाजवून या सगळ्यांचं आपल्या संघटनेत आपल्या कौटुंबिक संघटनेत स्वागत करूया। तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत।